आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। गोमटकेरी पावर हाउस के पीछे जम्बुंडी हप्सी के रहवासियों ने पट्टो की भूमि से बेदखल करने हेतु नोटिस दिए जाने पर वैकल्पिक स्थान की मांग को लेकर अखिल भारतीय श्री बलाई महासंघ के तत्वावधान में कलेक्टर को ज्ञापन दिया। रहवासियों ने बताया कि यहां पर स्थित हमारे मकान जिनके पट्टे हमें वर्ष 2013 में दिए गए थे तथा हमें वहां पर रहते हुए 20 वर्ष का समय हो गया है। अब हमें तहसीलदार तहसील हातोट जिला इंदौर के द्वारा हमें हमारे पट्टे की भूमि से बेदखल करने हेतु नोटिस दिए गए हैं और नहीं हटने की दशा में सिविल जेल भेजे जाने के निर्देश दिए हैं, जबकि उक्त पट्टे हमें ग्राम पंचायत जम्बूटी हप्सी के द्वारा दिए गए हैं, जिनके पट्टे बिजली बिल, स्थायी निवासी परिचय पत्र, राशन कार्ड परिचय पत्र, अन्य सभी दस्तावेज हमारे पास मौजूद है। रहवासियों ने बताया कि हम लोग अत्यंत गरीब होकर मजदूरी वर्ग के लोग हैं तथा हमारे पास उक्त जगह के अलावा अन्य कोई जगह निवास हेतु नहीं है और हम उक्त जगह को छोड़कर हमारे परिवार को लेकर कहाँ जाएंगे, जबकि इसी जगह पर हमारे द्वारा मकानों पर ऋण भी प्राप्त किए गए हैं जिनकी किश्त हमारे द्वारा जमा की जा रही है। अगर हमें भूमि से बेदखल कर दिया गया तो हमारे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। रहवासी अपनी इन्हीं सभी पीड़ाओं को लेकर अखिल भारतीय श्री बलाई महासंघ के अध्यक्ष मनोज परमार के नेतृत्व में इंदौर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां सभी रहवासियों ने कलेक्टर को अपनी मांगों से अवगत कराया। श्री परमार ने कहा कि यहां पर सभी समाज के लोग रहते हैं और यदि रहवासियों को वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराए बिना बेदखल किया गया तो उन्हें मजबूरी में उग्र आंदोलन पर विवश होना पड़ेगा। अजय बाबू थोड़ा पीछे हो जाओ यार। कर्जा ले लेके बनाया हमने। इनके पास मतदाता परिचय पत्र भी है, इनके पास राशन कार्ड भी है। जब भी कोई चुनाव आता है तो मंदिर के सामने जम्बुड़ी हप्सी ग्राम पंचायत के द्वारा लगभग 300 से अधिक परिवारों को 2013 में निवास करने के लिए पट्टे आवंटित किए गए थे और 2013 के पूर्व से ये लगभग 15 से 20 वर्षों से ये सब गरीब परिवार, मजदूर वर्ग परिवार जो है वहाँ पर अपने पत्नी अपने बच्चों के साथ परिवार के साथ जीवन यापन कर रहे थे और वर्तमान में इनको शासन से ऐसे नोटिस दिए गए हैं कि 13 तारीख तक अगर आपने ये मकान खाली नहीं किए तो इन मकानों को तोड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, जबकि ये ग्राम पंचायत के द्वारा आवंटित किए गए हैं। कई लोगों ने वहाँ पर पक्के मकान बना लिए, कई लोगों ने वहाँ पर जो है बैंकों से ऋण ले लिया। आज वे सब पहले ही तो मजदूर हैं और यदि अगर प्रशासन उनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करता है तो ऐसी स्थिति में वे अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। उनके वो दो जून की रोटी नसीब नहीं हो रही, जिनको सुबह मजदूरी करने जाते हैं तब जाके शाम के भोजन की व्यवस्था हो पाती है। ऐसे लोग कैसे जीवन यापन करेंगे, कैसे बच्चों की फीस भरेंगे और कैसे अपने जीवन का जो संचालन करेंगे। प्रशासन ने क्या कारण बताया इनको? प्रशासन ने ये कहा कि ये शासकीय भूमि है और इस शासकीय भूमि पर आप लोगों का अतिक्रमण है, इसलिए इसको खाली करिए। किसी प्रकार की योजना नहीं बताई, जबकि हमारा कहने का मतलब ये जब तक इनको वैकल्पिक व्यवस्थाएं नहीं हो जाए, जब तक इनको विकल्प के रूप में कुछ दिया नहीं जाए, कहीं रहने के लिए स्थान कोई मल्टी में क्वार्टर नहीं दिया जाए, तब तक इन्हें नहीं हटाना चाहिए। किंतु ऐसा सरकार नहीं कर रही है। इनके पास में आज इतने गरीब परिवार, ये 200 गरीब परिवार है कम से कम और अधिक से अधिक 350 परिवार है, इनके पास सामूहिक आत्मदाह करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। यदि इनके मकान इनके घर तोड़े गए तो ये रोड पे आ जाएंगे, अपने बच्चों के साथ में भूखे मरेंगे। इससे अच्छा बेहतर ये होगा कि ये सामूहिक रूप से आत्महत्या करें, ऐसा इन लोगों ने मुझे कहा और इनकी पीड़ा लेकर
लेकर आज मैं अखिल भारतीय भलाई महासंघ के तत्वाधान में माननीय जिलाधीश महोदय से यह निवेदन करने आया हूँ कि किसी भी स्थिति में हमारे गरीब परिवार उजड़ने नहीं चाहिए। सरकारें बड़ी बड़ी बात कहती है कि पाकिस्तान के लोगों को यहाँ बसा दें, अफगानिस्तान के लोगों को यहाँ बसा दें, बांग्लादेश के लोगों को यहाँ बसा दें, और यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? और यहाँ पर जो वर्षों से रह रहे हैं, आपको वोट दे रहे हो, वो कहाँ जाएंगे? उनको तो तुम रहने की जगह नहीं दे रहे हो, नए लोगों की बात कर रहे हो। तो ये भेदभाव हमारे साथ नहीं होना चाहिए। ये 300 परिवार किसी एक जाति, एक वर्ग, एक संप्रदाय के नहीं है। ये 300 परिवार में भलाई समाज, रविदास समाज, वाल्मीकि समाज, बागरी समाज, बंजारा समाज, बाछड़ा समाज, ब्राह्मण समाज सहित बहुत सारी जातियों के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। और ऐसा शासन और प्रशासन के द्वारा इन पर जो अत्याचार किया जा रहा है, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए हमको सड़क पर उतरना पड़ा तो सड़क पर भी उतरेंगे और जन आंदोलन छेड़ेंगे। हम जाएंगे तो हम ये बच्चों को लेके, छोटे छोटे को कहाँ जाएंगे? गरीब लोग, हम मजदूरी करके खाते हैं। हमारे यहाँ ना कोई सरकारी नौकरी है, ना कोई स्थायी एक जगह मजदूरी है। हम जहाँ मिलती मजदूरी वहाँ करते हैं। कहाँ रहते हैं? कहाँ से? हम गोमटगिरी पावरस के पीछे रहते हैं, जमुई क्षेत्र में लगती है हमारी जगह। पंचायत ने हमारे पट्टे काटे हैं और गरीब लोगों को दिया है। 20 साल से हम रह रहे हैं सर, 20 साल से हमारे परिवार का गुजारा कर रहे हैं। आज आप यहाँ आए तो क्या? आज हम इसीलिए आए हैं कि हमारी यही निवेदन है सरकार से कि हमारे मकान नहीं तोड़े जाए। और हमारे स्टेटर दे दिए, उनने नोटिस दे दिए और नोटिस लेके आए हैं। आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT News।